किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जी हाँ, ये पंक्तियाँ एक समय था जब मेघा कपूर के ऊपर सटीक बैठती थी। कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाली मेघा कपूर में टैलेंट कूट कूट कर भरा था। बस जरूरत थी उनके टैलेंट को आगे लाने की। कहते हैं ना कि कामयाबी और शोहरत हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ मेघा कपूर के साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड, जय भीम, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम और जय श्री कृष्णा। मैं मेघा कपूर अमृतसर नागपुर से। बहुत ही खुशी हो रही है आप आज लोगों के सामने रूबरू होते हुए। मुझे कहा गया है कि आपके लाइफ के बारे में दो शब्द बताइएगा। तो आपको लगता है दो शब्दों में अपना लाइफ कभी ख़त्म होता है ना? नहीं होता है। तेरह लाइफ के 13 साल की उम्र से ये काम शुरू किया था। 13 ईयर उस एज में लोग बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत मीठा पिलाते हैं। उस उम्र से ये काम शुरू किया और सोचा नहीं था भगवान की दया से कि आज इस समय में 13 साल की एज के बाद जो मैं एक छोटा सा नाम लेके आई थी योगिता, जो मिसेस मेघा कपूर अमृतसर ने कन्वर्ट हो गया। सो ये नाम मुझे इंडस्ट्री ने दिया है और मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे मेकअप को इतना सराहते हैं, इतना सम्मान करते हैं और इस काम को सबसे बड़ी बात हमारे समाज में एक बहुत बड़ी जगह मिली। पहले इस चीज़ के लिए कहा जाता था कि ये काम अच्छा नहीं है एक लेडी के लिए, जो भी है सबका अपना अपना माइंड होता है। पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अब इस पड़ाव में आके जब हमारे समाज की, हमारे हर समाज की लड़कियों को जिनको एजुकेशन दिया है और वो सारी एक इतनी पोस्ट पे आ गई हैं, उनको देख के मुझे ऐसा कभी कभी बचपन से ही कुछ कर गुजरने की, कुछ दुनिया से अलग हट कर दिखाने की चाह रखने वाली, अपने काम के बल पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली मेघा अपनी इसी सोच के साथ आगे बढ़ी। मात्र 13 साल की उम्र से ही उन्होंने इस ओर कदम रखा। 18 साल की उम्र में शादी हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में शादी होने पर उनकी लाइफ में आया टर्निंग पॉइंट। लेकिन आपको बता दें कि इसे भी उन्होंने बखूबी हैंडल किया। शुरुआत में सभी का विरोध होने के बावजूद धीरे धीरे परिवार के लोगों ने उनके काम को समझा, उन्हें अपना सपोर्ट देना शुरू किया। उनके पति और सासू माँ का सपोर्ट उन्हें हमेशा मिलता रहा। यही नहीं तो परिवार के साथ ही साथ उन्हें बाहरी लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। इस दौरान उन्होंने अपने बुरे अनुभवों को दरकिनार करते हुए अपनी हिम्मत, जज्बे और लगन के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हुए अपनी तैयार किए हुए एक से बढ़कर एक मॉडल को स्टेज पर उतारा। और बस फिर क्या था, यहीं से शुरू हो गया उनकी कामयाबी का सफर। मेहनत से मैं कभी नहीं डरती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा यही सिखाती हूँ। अवार्ड के बारे में क्या बोला जाए, अवार्ड तो भगवान की दया से बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, अभी रिसेंटली दुबई में भी मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बेस्ट मेकअप एकेडमी का भी अवार्ड हमारे एकेडमी को आया है। तो अच्छा लगता है क्योंकि सक्सेस किसको नहीं चाहिए, सक्सेस हर किसी को प्यारी है। इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है, परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, उनका नाम मिस्टर अनिल आमेसर है और कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने भी बहुत मदद की, प्रदीप सर ने, उज्ज्वला जी ने और करवड़े जी, शीतल करवड़े जी ने, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और इनसे भी आगे उम्मीद रखूंगी कि मेरी तरफ से जो मैं अपना काम और बेस्ट दे सकूं ज़रूर स्टेज पे लेकर आऊँगी। स्टेज तो ऐसे काफ़ी दिए हैं, बैक स्टेज, ऑन स्टेज, हर तरह के स्टेज दिए हैं, हर तरह का वर्क दिया है, हर तरह से पब्लिक ने नवाजा है, जनता ने नवाजा है। तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखते रहिए मेघा कपूर अमृतसर, इंस्टा पे है मेघाज मेकओवर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुरुआती दौर के ही जद्दोजहद का फल है कि आज मेघा मेकओवर एकेडमी का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे फॉरेन में भी मशहूर है। आपको बता दें कि ऑरेंज सिटी में पहली बार हेयर स्ट्रेटनिंग का कंसेप्ट मेघा कपूर ने ही लाया था। ताजुब की बात तो ये है कि इसके लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल ट्रेनिंग न लेते हुए केवल अपने अनुभव, कला और कौशल से सबके सामने इसे पेश किया।
सबसे बड़ी और सबसे अहम बात आपको बताने जा रही हूँ, जो आप सुनते हैं ना बाद में, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, जो टैग मुझे दिया है स्नग्धा पुरोहित जी, जो गोंदिया की रहवासी हैं और उन्होंने इस फील्ड में लेडीजों की बहुत मदद की है। हमेशा जितनी भी नागपुर में सेलिब्रिटीज आती हैं, नागपुर में, नागपुर के बाहर, हर जगह उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी के मेकअप के लिए इतना रिस्पेक्ट दिया है और काबिल समझा है, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। उल्लेखनीय कार्यों एवं स्टूडेंट का मेकओवर करने के चलते ही एकेडमी को कई बार बेस्ट एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि इस एकेडमी में 16 साल की लड़कियों से लेकर तो 52 साल तक की महिलाएं यह कोर्स कर रही है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने का श्रेय भी मेघा कपूर को जाता है। आने वाले समय में अब हम जा रहे हैं यूरोप, बल्गारिया कंट्री में हम जा रहे हैं मिसेस यूनिवर्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करने। आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इस बार हिंदुस्तान जरूर अपने सिर पे ताज लेके आए, क्योंकि ये एक मेरी अकेले की या जो मेरे साथ चल रही है उनकी अकेले की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान की जीत रहेंगी। फिर भी हम जीते या कुछ भी आए, बैक में आए या फ्रंट में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मन में हमेशा रहेगा कि हमने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया। मिसेस जोया सिराज शेख, उन्होंने हमेशा बहुत मदद की है, मिसेस सिराज शेख ने भी बहुत हेल्प की है, न्यूज़ के ज़रिए काफ़ी सारा सपोर्ट भी किया है, न्यूज़ चैनल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, यूसिन वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं मिस्टर अनिल आमेसर, ही इज़ अ वंडरफुल मैन, उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया कि मेगा कीप इट अप, करो, फैमिली के सपोर्ट के बिना ये चीज़ असंभव है और परिवार का साथ पाना इतना आसान नहीं है, ट्रस्ट पाना इतना आसान नहीं है, समय गुजर जाता है, वक्त बहुत लगता है, पर जीत मिलती है। उम्मीद कभी नहीं हारना, अपना विश्वास कभी नहीं हारना। अगर आपका रास्ता साफ है, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं मेघा कपूर अमेसर आपसे अलविदा लेती हूँ आपके बहुत सारे गुड विशेस के साथ, और हमेशा आप लोगों का साथ चाहूंगी। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज हमारे पूरे भारत का नाम रोशन करने जा रही जोया सिराज शेख, जिनका चयन हाल ही में मिसेस यूनिवर्स के लिए हुआ है, उन्होंने भी अपनी कामयाबी में मेघा कपूर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसी बात कही। 15 जनवरी को मेघा कपूर का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हमारी पूरी टीम की ओर से मेघा जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। NBC News के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।